माइनर हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी तमाम तफसीलात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई और डॉक्टर्स ने, बोर्ड ने, तमाम डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट जो है, तमाम सेहत के जो फैक्ट्स हैं वो अदालत में पेश किए और माइनर जो हार्ट अटैक उनको कल हुआ उसकी तारीख सारी तफसीलात भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पेश हुई, उसके ऊपर समाअत हुई। बाकी तमाम हुकूमती मौकफ भी आया और उसके अंदर अल्लाह ताला ने करम किया, आपकी दुआओं ने करम किया और मैं इसी तरह के अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे, अल्लाह ताला उनको इसी तरह उनकी सेहत में बेहतरी करे और मैं पाकिस्तान की आवाम और वो तमाम लोग सियासी कायदीन जिन्होंने दुआएं भेजी, जो दुआएं कर रहे हैं और इस मुश्किल वक्त में शरीफ खानदान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है कि मियां साहब के जो प्लेटलेट काउंट है वो जब ड्रॉप करते हैं बहुत नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो प्लेटलेट नहीं बना रही और जो ट्रीटमेंट उनका हो रहा है उस इधर, उस ट्रीटमेंट की वजह से उनके प्लेटलेट काउंट जो है वो बेहतर हो रहे हैं। लेकिन इस और फिर कल जो उनको हार्ट अटैक हुआ है उसके बाद ये डायग्नोसिस करना और जो प्लेटलेट काउंट, ये मियां साहब का पहली दफा उनकी सेहत के अंदर जो प्लेटलेट काउंट है वो उसकी जो बीमारी है कि ये क्यों नहीं खुद बनाते और अपना ही बॉडी जो है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, इसका डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। और जो कल उनको माइनर सा हार्ट अटैक हुआ वो क्यों हुआ और प्लेटलेट काउंट का जो काउंट है वो क्यों बेहतर नहीं हो रहा, खुद ब खुद बॉडी क्यों नहीं बना रही, इसका डायग्नोसिस होना जो डॉक्टर्स के मुताबिक बहुत ज्यादा जरूरी है मियां साहब के लिए। और मैं आखिर में एक दफा फिर पाकिस्तानी कौम का और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी इस वक्त मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए दुआएं कर रहे हैं वो दुआएं जारी रखने की अपील करूंगी। उनकी अभी सेहत जो है वो संभल, जिस तरह उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है उसी तरह उनकी सेहत में बेहतरी आ रही है, लेकिन ये दुआओं की वजह से है और इसी तरह दुआएं जारी रखें। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि तमाम लोग, तमाम मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ये भी तसल्ली रखें कि उनका ट्रीटमेंट हो रहा है और दुआएं जारी देखिए, अभी इसका फैसला नहीं हुआ क्योंकि ये अभी फैसला आया है, अदालती फैसला, और उनकी ट्यूसडे तक, मंगल तक की जो जमानत है वो कबूल, मतलब उसमें अप्रूव हुई है। और लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि अभी मियां साहब की सेहत जो है वो क्रिटिकल है, प्लेटलेट काउंट क्रिटिकल है, ट्रीटमेंट की वजह से उनका प्लेटलेट काउंट बेहतर होता है लेकिन खुद वो ड्रॉप कर जाता है और इसका डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। ये शरीफ खानदान और शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ फैसला करेंगे कि वो इसी हॉस्पिटल के, यहाँ 6 रुकनी बोर्ड उनका ट्रीटमेंट कर रहा है और उनके तमाम इन्वेस्टिगेशन जो है यहाँ हो रही हैं और ये फैसला अभी किया जाएगा कि उन्होंने इसी हॉस्पिटल में रहना है और या इस, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो दुआएं जारी रखें।